हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सोनू, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज पर पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं चैप्टर 2 मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं। इसके पहले मैंने सारे एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने उन वीडियोजों को नहीं देखा तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन 13 नंबर बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोजों का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो स्टेट यहाँ पर 2 टैन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स 2 कोसेक एक्स को प्रूव करना है, तो मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ऑफ आपको स्टेंट पता होगा 2 टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक फार्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स अपान में रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स 2 एक्स अपान में रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट 2 टैन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है स्टूडेंट कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है स्टूडेंट कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन इनवर्स 2 एक्स इंटू यानी कि कॉस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में लिखा है स्टूडेंट वो है टैन इनवर्स 2 कोसेक एक्स। तो यहां पर स्टूडेंट इस टैन से इस टैन को मैंने कैंसिल कर दिया, टैन इनवर्स से टैन इनवर्स को। अब बचने क्या वाला है 2 कॉस एक्स अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे वही कर लिया इसका 2 कोसेक एक्स। इस 2 से 2 को भी मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया स्टूडेंट, और हमारा बचने क्या वाला है स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर जो बचने वाला है, तो मैं स्टूडेंट इसे इस कॉसेक को भी नीचे ले आता हूँ, तो हो क्या जाने वाला है कॉस एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इस कॉस को जब मैं अपान में लाऊंगा तो हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स, ये इक्वल होता है कोसेक एक्स के। तो यहाँ से स्टूडेंट इस साइन एक्स से एक साइन एक्स भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कॉस एक्स अपान में साइन एक्स इक्वल टू में 1, तो ये साइन एक्स अपान में कॉस एक्स होता है कॉट एक्स, तो हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू में 1। अब इसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू 1 जो होता है कॉट के पदों में, वो कॉट पाई अपान 4 की वैल्यू होती है, तो हो जाएगा काट पाई अपान में 4, काट से काट कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी पाई अपान में 4। स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमारी फाइंड हो चुकी है कॉस पाई अपान में 4। स्टूडेंट यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आपकी कोई भी क्वेरीज और दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी क्वेरीज और दिक्कतें हमें बताइए, ताकि हम उन्हें सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि सभी वीडियोजों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना, टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 टैन इनवर्स एक्स। इस फार्मूले को स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस फार्मूले बेस पर बनाना है, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसे लिख सकता हूँ टैन इनवर्स 1 और माइनस के टैन इनवर्स एक्स। ये कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, जब आप इसे खोलेंगे स्टूडेंट, जब आप इसे खोलेंगे फार्मूला टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का, तो ये हो क्या जाने वाला है स्टूडेंट, जैसा कि मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे खोलना नहीं स्टूडेंट, लेकिन मैं बता दूँ टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, तो 1 इंटू एक्स, तो यही स्टूडेंट ऊपर वाला बन जाने वाला है। तो मैं इसे यहाँ पे ये लिख ले रहा हूँ इस फार्मूले की मदद से स्टूडेंट, मैं इसको ये लिख ले रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट आपको वही काम करना है टैन इनवर्स 1 और इस 1 के स्थान पर रख देना है टैन पाई अपान में 4, और इसके बाद स्टूडेंट इस टैन इनवर्स एक्स को उधर पक्षांतर कर देना है, तो 1 बाई 2 टैन इनवर्स एक्स और प्लस टैन इनवर्स एक्स। इसके बाद स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ टैन टैन को कैंसिल कर देना है और यहाँ पे बच जाएगा पाई अपान में 4, और यहाँ ले लेना है एलसीएम। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ले लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा एलसीएम 2, और इस 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स
और स्टेट ये वन, जब वन का भाग टू में देंगे तो टू आ जाएगा, तो इधर करा देंगे मल्टीपल, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स। अब टू टेन इनवर्स एक्स और ये टेन इनवर्स एक्स ऐड हो जाएंगे, तो बचने क्या वाला है, थ्री टेन इनवर्स एक्स अपान में टू। इसके बाद स्टूडेंट यहां से आपको सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहले मैं स्टेप उतार दे रहा हूँ, पाई अपान में फोर इक्वल टू थ्री बाई टू टेन इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको थ्री बाई टू को इधर लाना है, तो इधर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर लाने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर ये अपान में है तो मल्टीपल में आएगा, और ये मल्टीपल में है तो अपान में आएगा, तो यहाँ पर मैं इसे ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं लाऊंगा तो हो जाएगा टू पाई अपान में ये स्टूडेंट टू इसके अप इंटू में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा टू पाई, और ये थ्री आ जाएगा चार के अपान में, तो चार इंटू थ्री हो जाएगा। इसके बाद वहां पर बचा स्टूडेंट टेन इनवर्स एक्स, स्टूडेंट वहां पर बचा टेन इनवर्स एक्स, टू एक अन्न टू, टू टू जा फोर, कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर बचने वाला पाई अपान तीन दूनी के छः इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद स्टूडेंट इस टेन इनवर्स को इधर भेज देना है, तो ये एक्स इक्वल टू जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा टेन पाई अपान में सिक्स, क्योंकि स्टूडेंट इस टेन को इधर जब भेजेंगे तो अपान में आएगा, इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी पावर। एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई फोर पाई बाई सिक्स यानी कि 30 अंश। आप जानते हैं टेन पाई बाई सिक्स की जो वैल्यू होती है वह 1/√3 होती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो 14 नंबर था, इसका भी आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है, तो आज का अगला क्वेश्चन स्टूडेंट साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स बहुविकल्पी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसे मैं बताने जा रहा हूँ, इस बहुविकल्पी चार ऑप्शन दिए गए हैं आपकी बुक में, उसमें से एक आंसर सही है जिसे छांटना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन के पदों में, क्योंकि यहाँ पर साइन है स्टूडेंट, तो अंदर मुझे साइन बनाना है, तो साइन के पदों में जब फार्मूला आप ट्राइंगल बनाकर निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे स्टूडेंट आपको एक ट्राइंगल बना लेना होगा, और ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण, और ये होता है आधार। तो जब टेन एक्स इक्वल टू आप फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर मान लेंगे वन, तो होता है फार्मूला लंब अपान में आधार, तो ये हो जाएगा लंब अपान में आधार। अब इसके बाद स्टूडेंट कर्ण की वैल्यू आप निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर से मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा स्टूडेंट ये ट्रिक आपको, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू जब यहाँ पे निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसके बाद स्टूडेंट इस स्क्वायर को उधर हटा देंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वो भी रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी निकल के आ गई स्टूडेंट वो हो गई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको किसी भी चीज का फार्मूला चाहिए टैन के पदों में, जैसे टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स की साइन के पदों में चाहिए, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो साइन एक्स इक्वल टू चाहिए तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, फार्मूला होता है लंब बटे के कर्ण, तो ये लंब हो गया और कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर। यदि टैन के टैन टैन के पदों में फार्मूला चाहिए तो यहाँ पर लिख लेंगे टैन, और स्टूडेंट ये हो जाएगा लंब अपान में आधार यानी कि वन, तो टेन इनवर्स एक्स टेन के पदों में, क्योंकि हमें टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू तो फार्मूला निकालना है। यदि कास एक्स का चाहिए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास एक्स के पदों में, तो यहाँ पर लिख लेंगे कास इनवर्स एक्स, और कास के पदों में जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा वन अपान रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ से आप अनलिमिटेड फार्मूले निकाल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आप एक नहीं कई सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने मुद्दे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जो फार्मूला निकला हुआ था साइन के पदों में, साइन इनवर्स एक्स अपान रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो साइन इनवर्स फार्मूला टेन के इनवर्स एक्स के स्थान पर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स अपान रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको साइन से साइन को कैंसिल कर देना है और बचेगा एक्स अपान रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप आपकी बुक में ये डी ऑप्शन सही है, डी पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
इसके बाद स्टूडेंट इसी प्रकार के आपके दो क्वेश्चन एक्सरसाइज पर बच रहे हैं, तो वो स्टूडेंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्वेश्चन आपको आए या ना आए। यदि नहीं आए तो स्टूडेंट मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।